वेलकम माई न्यू व्लॉग। होप कि आप सब अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही सुबह के 8:30 बजे से, और फिलहाल जो है मैं यहाँ पे धूप के आनंद ले रही हूँ। अभी अभी मन्नत को स्कूल वगैरह भेज के तैयार वगैरह करके, तो बाकी जो है उसके बाद जो है आज मुझे पीओ जाना है, क्योंकि जो है क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो आधे से ज़्यादा ज़िंदगी तो मेरी हॉस्पिटल जा जाके ख़त्म है। तो जो कहा थोड़े बहुत जो चेकअप है जो मेरे बचे हुए थे, तो इतने टाइम हो गया तो मैं हॉस्पिटल गई नहीं थी, तो आज मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा आज चले जाती हूँ। उसके बाद जो है फिर दिवाली आने वाली है, तो फिर घर की साफ़ सफाई वगैरह, कपड़े वगैरह धोना, बहुत सारा काम रहता है, फिर उसका टाइम ही नहीं मिलता है। तो आज जो मैं फ्री थी तो मैंने सोचा एक बार हॉस्पिटल के लिए चलते हैं और देखते क्या रहता है पूरे दिन का। बाकी जुड़े रहिए आप मेरे साथ ऐसे ही। तो फाइनली हम निकल चुके हैं घर से रेडी होके, तो साथ में जो मेरी ननंद भी है हॉस्पिटल तक मेरे साथ। बाकी देखते अभी हम बीच रास्ते में हैं, तो देखते क्या मिलता है। बस स्टैंड तक जाना पड़ेगा हमें वैसे ही, तो देखते हैं लिफ्ट वगैरह कुछ मिलती है या नहीं मिलती है, या फिर एक दो घंटा वेट करना पड़े टैक्सी का। हमें बस स्टैंड जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमें जो है एकदम से ही गाड़ी मिली जो हमें पीओ तक मिल जाएगी। जी हम दोनों पीओ बाज़ार पहुँच गए, तो पीओ बाज़ार से हम जब जा रहे हैं हॉस्पिटल के लिए, तो हॉस्पिटल में जाने के लिए हमें पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि लिफ्ट वगैरह तो कुछ मिलेगी नहीं। बाकी मैक्सिमम जो है आजकल जो नीचे बाज़ार के लिए आती नहीं, तो वो बस स्टैंड से ही चलती है। तो फिर एक बार हम यहाँ से जाएंगे बस स्टैंड, फिर बस स्टैंड से जाएंगे हॉस्पिटल। बाकी सबसे पहले पीओ आती है, हमने यहाँ पर जूस और आइसक्रीम ले लिया। ऊपर हॉस्पिटल तक जाते हुए हमारे को एनर्जी मिल जाएगी खा खा के, तो चलते एक बार चलते चलते। हम पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल, हम जाएंगे यहाँ से हॉस्पिटल के लिए अंदर। बाकी बाहर से देख के ऐसा लग रहा है कि आज थोड़ी सी भीड़ कम है, बट अंदर जाके पता नहीं भीड़ का क्या है। डॉक्टर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वो भी पता नहीं हमें तो अभी, तो चलते एक बार। पर्ची बनाते हैं, जाता हूँ परे देखियो तू भीड़ कम है, रुक जा अंदर, तो ऐसा लग रहा है भीड़ बहुत है। तो यहाँ पे जो है मेरी पर्ची तो बहुत ज़्यादा जल्दी बन गई, बट जहाँ हमने डॉक्टर को दिखाना है वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा रश है, तो पता नहीं कब हमारी टर्न आएगी। तो हमारा काम जो है हॉस्पिटल का ख़त्म हो गया, तो अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल से नीचे बाज़ार किया, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया हॉस्पिटल में। क्या बोलिए, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है यार हॉस्पिटल में, अब तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। तो एक बार फटाफट से बाज़ार जाएंगे, उसके बाद पेट पूजा करेंगे, उसके बाद देखते थोड़ा बाज़ार घूमने को मिलेगा तो अगर घूमेंगे, क्योंकि 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 कुछ नहीं। तो बाज़ार पहुँचते सबसे पहला काम मैं पार्लर आ गई, क्योंकि जो है काफ़ी टाइम हो गया था मैंने थ्रेडिंग नहीं किया था, तो 2-3 महीना तो हो रहा है मुझे थ्रेडिंग नहीं करके। तो जहाँ पर मैं कराती हूँ वहाँ पर दीदी भी नहीं थी, तो दीदी गए थे चंडीगढ़, तो आगे थ्रेडिंग करने के बाद हम सीधा यहाँ पे आगे लंच करने के लिए, बट काफ़ी ज़्यादा रश होने की वजह से अभी हमें सीट नहीं मिली है, तो हम जो है यहाँ पे बाहर ही वेट कर रहे हैं। अब दो आदमी का सीट मिली है, देखते हैं यार। 2000 years later. मैं पहुँच चुकी हूँ घर। हेलो गाइस, है ना, कैसे आप सब, बोलो आज मेरा मूड एकदम फ्रेश है, बोलो। तो मैं पहुंच चुकी हूँ घर, और मैं जो अपने साथ मन्नत को भी वापस लेके आ गई, क्योंकि मन्नत को भी बाज़ार लाया था मन्नत के पापा ने, जो आजकल इसके फेस में ना थोड़ी सी इन्फेक्शन हो गई, पता नहीं क्या हो गया, हर जगह पे फोड़े ही फोड़े निकल रहे, तो फिर नाक के अंदर भी फैल गए थे बहुत ज़्यादा। तो फिर हमने सोचा इसको दिखा ले, तो फिर ट्यूब से ठीक नहीं हो रहा था, पहले भी एक ट्यूब लाया था तो उससे ठीक नहीं हो रहा था, तो फिर आज दोबारा से इसको दिखाया है ना मन्नत। क्या नहीं खाने को बुलाया डॉक्टर ने? कुरकुरे। हाँ, तो ये सब चीजें खाने से बिल्कुल मन्नत को मना किया है ना, नहीं तो मन्नत के पूरे फेस में हो जाएंगे बोला ना ये। हाँ जी। अब नहीं खाऊंगी, बोलो अब नहीं खाऊंगी। मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ। नहीं तो हम केक नहीं काट पाएंगे। किसका केक?
लाइक और सब्सक्राइब करेंगे ना तभी तो केक काटते हैं। अच्छा मुझे नहीं पता था ना। तो फिर हम लोग आगे, मतलब हम लोग है घर अब पहुंच गए। मैं बोलो बोलूं क्या बोलना है आपने। मम्मा ने मुझे चाचा खिलाया था, एक ना पेस्ट्री खिलाया, एक मुझे गुलाब जामुन खिलाया ब्राउन कलर का, और मुझे एक फ्रूटी वाला जूस पिलाया और हो गया, और हाँ मुझे बांसुरी दिलाया हाँ बांसुरी तो लाया, बांसुरी मन्नत को बांसुरी। और मेंटोस भी। ओके बाय। तो बाकी शाम का मौसम देख सकते हैं कितना ख़राब हो चुका है, बाकी बर्फ़ आने की संभावना लग रही है। तो कल के लिए तो वैसे भी बताया कि नेट में बर्फ़ है 80%, तो देखते हैं। और तूफ़ान तो बहुत ही ज़्यादा चला हुआ, इतनी तेज़ हवा चली हुई है। बाकी मैं फ़िलहाल यहाँ पे आई हूँ गाय के पास, तो मैंने सोचा एक बार बर्फ़ आने से पहले पहले इसको सफाई करके रख लेते, वरना सारा जो है ये वेस्ट हो जाएगा गोबर गाय का। बाकी यहाँ पे मेरी गाय